नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउ टू सिंप्लीफाई। दिस इज़ द थर्ड लेसन ऑन इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़। हियर वी विल बी डीलिंग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम, विच विल कवर द डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फील इट डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इनकम एंड also it covers the most of the marks when it comes to the syllabus. So you are not in a condition to leave this topic. Either you have to mug up the concepts or you really left with any option to skip this topic. So jab aap in videos ko dekhenge to aapke liye ye concepts itne easy aur itne entertaining dhang se पढ़ाए जाएंगे कि आपको लाइफ टाइम तक ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। और इनके बीच में कनेक्शंस बैठाने के लिए आई यूज़ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द रियल लाइफ। तो आपको इन सारे के सारे लेसन्स को बार बार रिपीट करके एक बार देखना पड़ेगा, ताकि हो सके तो आप उसके, मैं अपलोड करूँगी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, और आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारे जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं वो देख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो टॉपिक और क्लियर हो। एंड इफ़ यू फील हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और ऑन द मेल आईडी गिवन। ओके, नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल हम लोगों ने ऑलरेडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल तक कंप्लीट कर लिया है। अभी आज से हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज नेशनल इनकम। ये कुछ ऐसा टॉपिक है कि अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द पेपर, बाय द एंड ऑफ द पेपर दे ट्राई टू स्किप दिस टॉपिक, और दे ट्राई टू, मतलब वो क्या करते हैं कि हाँ भाई हम रट्टा लगा लेते हैं, मतलब जो जो फॉर्मूले इसके अंदर क्या आएंगे, ये सबसे, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूले आप यूज करोगे, तो वो फॉर्मूले जब किसी को याद नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। आई कैन बेट यू कि अगर आप ये नेशनल इनकम का पूरा जैसे अलग अलग इसके लेसन आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, अगर आप वो पूरे देखते हो तो आपको इसके बाद इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप किसी भी तरह का सम सॉल्व कर लोगे और आपको अपने बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आज जो नेशनल इनकम का फर्स्ट लेसन है हमारा, वो नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। मतलब पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर धीरे धीरे उसके टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर जाएंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को नेशनल इनकम, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ नेशनल इनकम है क्या ये नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम मींस नेशन से आया है, नेशन एक कंट्री, नेशनल इनकम दो वर्ड से बना है ये। नेशनल मतलब एक नेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम किसी छोटी आइडेंटिटी के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, हम पूरी एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे नेशनल comes from the word nation. Nation का मतलब एक कंट्री, लाइक इंडिया, लाइक चाइना, अगेन यूएस, तो बार बार वही वाली कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपको नाम पसंद आए, उस कंट्री को हमने नेशन बोला, तो उसकी इनकम। अब ये इनकम क्या है, इनकम का मतलब मैं अगर स्कूल में जॉब करती हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है मेरी सर्विस देने के ऊपर, तो उसे मैं अपनी इनकम काउंट करती हूँ। मैंने कल भी आपको पिछले लेसन में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लेसन में मैंने चार फैक्टर्स की इंट्रोडक्शन दी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपसे एक और बात बोली थी कि इकोनॉमिक्स जब से शुरू होती है उसका इंटरलिंकेज सब के सब टॉपिक्स के साथ रहता है। तो मैं आई कीप ऑन रिपीटिंग कि कौन सी चीज किसके साथ जुड़ी हुई है, और बाकी आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो रिपीट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। ओके, तो चारों फैक्टर्स की अपनी इनकम बनती है। एट द सेम टाइम जब भी आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे, उसे बेचोगे, तो एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें कुछ ना कुछ इनकम अर्न होगी। तो इस तरह से कंट्री के अंदर कई सारे प्रोड्यूसर्स होंगे,
कई सारे लोग एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे होंगे, तो उन सब की इनकम को मिला के हम एक नेशन की इनकम बना लेंगे। मैं आप मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने मेरे लिए मेरे क्लोज रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। हम सब एक इकोनॉमी का पार्ट है, तो हम एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें ये रियलाइज होता है कि कैसे हम एक अननोन पर्सन से भी जुड़े हुए हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सर्कुलर फ्लो के थ्रू हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो नेशनल इनकम का मतलब एक कंट्री की इनकम, वो कंट्री के अंदर रहने वाले सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम, या मैं ये बोलूं कि जितनी चीजें उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करी हैं उनकी मार्केट वैल्यू, या मैं ये बोलूं कि उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी इनकम को कहां कहां खर्च किया है, वो सारी इनकम। यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, दैट इज ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? तीन। आइडेंटिटी का मतलब इक्वल। तीन चीजें बिल्कुल इक्वल हैं और उससे मेरी नेशनल इनकम की तीन तरह की डेफिनेशंस निकलती हैं। क्या है? अच्छा, आप एक चीज सोचो, मेरे को इनकम कब अर्न होगी? जब मैं कोई काम करूंगी। मैं क्या काम करूंगी? हो सकता है मैं कोई सर्विस दे रही हूं या मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रही हूं, वो चीज मार्केट में बिकेगी। मार्केट में से खरीदेगा कौन? कल मैंने सर्कुलर फ्लो में बताया था, काम भी हम ही करते हैं और खरीदते भी हम लोग ही हैं। इस तरह से तीन चीजें जो नेशनल इनकम को डिफाइन करती हैं, टोटल प्रोडक्ट, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। पी फॉर प्रोडक्ट, वाई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, ये कुछ इस तरह से आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी मतलब इक्वल। Assumption, assumption का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, प्री कंडीशन जो मैं बोलूंगी, अगर मैंने कंडीशन उस पर रख दी है तो आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेरी कंडीशन के बाद में आप उस पर क्रिटिसाइज करोगे, बेसिकली मेरी कंडीशन को ही क्रिटिसाइज करोगे तो मेरी थ्योरी क्रिटिसाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे जितनी चीजें मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करी गई है, वो हवा में प्रोड्यूस नहीं होंगी, वो जादू से प्रोड्यूस नहीं होंगी, उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो तुम्हें चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा चीजें बनाना चाहोगे उतनी ज्यादा इम्प्लॉयमेंट तुम्हें जनरेट करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा इम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे उतनी ज्यादा इनकम तुम लोगों में बांटोगे। जब वो इनकम लेके मार्केट में जाएंगे, एक तरफ उनकी इनकम है, एक तरफ उनके द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, तो वो उन्हीं चीजों के ऊपर खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर होगा और वो चीजें खत्म हो जाएंगी और दोबारा तुम्हें वो बनानी पड़ेंगी। सो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी चीजें प्रोड्यूस करी, लेट्स से इफ इट इज टोटल प्रोडक्ट, 1000 चीजें तुमने प्रोड्यूस करी और वो चीज जो है वो एक चीज 5 रुपए की है, मतलब 1000 चीजें मल्टीप्लाई बाय 5, उनका प्राइस हो गया मार्केट वैल्यू, इट शुड बी 5000। 1000 चीजें बनाने के लिए मुझे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। हवा ऐसे नहीं आ जाएंगे कि हाँ चल ठीक है यार तू मेरा दोस्त नहीं है, आजा आजा काम कर ले, ऐसे नहीं चलता। वो आएंगे तो तुमसे कुछ ना कुछ लेंगे, ठीक है। जब वो तुमसे कुछ लेंगे तो उनकी तुम इनकम जनरेट करोगे। हो सकता है ये जो 5000 रुपया ऐसे डिवाइड हो जाए, तुमने जिस जगह पे अपनी ये 1000 चीजें बनाई है, कोई ना कोई तो लैंड ली होगी, हो सकता है इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री तुमने लगाई हो, कई तरह की इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, है ना, वैसी इंडस्ट्री तुमने एक लगा ली। अब जब तुमने इंडस्ट्री लगा ली, लैंड मिल गई, लैंड को रेंट दोगे, मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट में, फिर लेबर रखोगे, ऐसे तो है नहीं सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हुए खुद ही काम कर रहे हो भाई, लेबर रखोगे, हेल्पर रख लिया तुमने, उसको उसकी सैलरी दोगे। लेट्स से अगर लैंड को मैंने यहाँ पे मैं एक एग्जांपल इसी 5000 को डिवाइड कर रही हूँ, लैंड को मैंने 500 दे दिया, ठीक है। जो लेबर रखी है, मैंने 2 लेबर रखी है और दोनों को मैंने 5500 के हिसाब से दिया, तो लेबर को मैंने पे किया 1000 रुपीज। अब वो जो चीजें हैं उसको बनाने के लिए मैंने मशीनें भी रखी हुई थी, तो दैट इज द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ले दे के मेरे को पड़ता है 2000।
मैं बना रही हूँ तो मैं हुई एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो जो बचेगा ऊपर वाला प्रॉफिट होगा ना मेरा, ऐसे तो है नहीं मैं देश की सेवा के लिए काम कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर हूँ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए काम करूंगी। तो पहले तो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, दिस इज 3500 और जो बचा 5000 में से वो मेरा बना प्रॉफिट, व्हाट विल बी दैट 1500, ठीक है जी। तो ये 5000 इसमें से जो 3500 है वो मार्केट में पहले से जा चुका है और उसमें मैंने 1500 ऐड कर दिया कि ये तो चीजें बेचने के टाइम पे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुमने चीजें जैसे ही बनाई तुमने 5000 मार्केट में डाल दिया। अब ये लोग जिनके पास पैसे आ गए हैं वो क्या करेंगे, खर्चा करने मार्केट में जाएंगे। तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो सकता है तुम वहां भी खर्च नहीं करते, तो तुम कहीं और तो खर्च करोगे। मैं अगर शू फैक्ट्री में काम करती हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने जितना अर्न किया मैं जाके सिर्फ शूज खरीदूंगी और पूरी इकोनॉमी में सिर्फ शूज ही बिक रहे हैं, नहीं, वहां पे शू फैक्ट्री है, मुझे अगर चाहिए कपड़े तो मैं कपड़े खरीदूंगी, मुझे चाहिए खाना राशन चाहिए तो मैं राशन पे जाके खरीदूंगी। तो इस तरह से राशन वाले ने भी प्रोडक्शन करी है, ये वाला काम किया है, ये वाला काम किया है, हर एक ने, मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो सब लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें उनको उनके मार्केट वैल्यू से तुमने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट टोटल प्रोडक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम एज अ प्रोडक्ट। फिर उसी के थ्रू कितनी इनकम बनी, चार फैक्टर्स को किस किसने कितने कितने फैक्टर्स हायर किए, इतनी लैंड इतनी लेबर, वो आ गया आप लोगों के पास टोटल इनकम। फिर उसके बाद उन्होंने कितना खर्चा किया, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हमारे पास ये हुई ट्रिपल आइडेंटिटी, यही लोग जाके जब खर्चा करेंगे तो वो 5000 पे खर्चा हुआ और इकोनॉमी में वो ट्रिपल आइडेंटिटी के थ्रू नेशनल इनकम तीनों तरह से 5000 5000 5000। तो अभी आप लोगों ने नेशनल इनकम का मतलब समझा कि एक कंट्री के अंदर की इनकम, ठीक है, और वो इनकम तीन तरीके से बन सकती है, चाहो तो उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को देख लो, चाहो तो उसी प्रोसेस के अंदर यूज किए फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम के थ्रू देख लो, या फिर उन्हीं चीजों के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई इंजेक्शन लीकेजेस नहीं, आई एम यूजिंग द वर्ड इंजेक्शन एंड लीकेज नहीं है तो दिस ट्रिपल आइडेंटिटी होल्ड्स ट्रू, ठीक है। इसीलिए यहीं पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि नेशनल इनकम तीन फॉर्मूले से कैलकुलेट करी जाती है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इसीलिए ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब आपको क्लियर होना जरूरी है, क्यों तीन तरीके से नेशनल इनकम काउंट की जाती है, वो उसका रीजन है ट्रिपल आइडेंटिटी। अभी मैंने एक वर्ड यूज किए, दो वर्ड यूज किए, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। इंजेक्शन मतलब डॉक्टर के पास गए, कोई बीमारी है, चलो जी कुछ उसने इंजेक्ट किया, मेडिसिन दी और मैं ठीक हो गई। लीकेज, लीकेज यू अंडरस्टैंड कि एक बकेट है, बकेट के अंदर होल था, होल में से पानी बाहर निकल गया और वो बकेट खाली हो गई। दीज इंजेक्शंस एंड लीकेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, सी आप मान के चलिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। देखो मान लो कि हमारी जो इकोनॉमी है अच्छी नहीं बनी बकेट, बट दैट्स ओके, ये एक इकोनॉमी एक बकेट के रूप में है, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, अंदर जाना। तो जो भी चीज हमारी इकोनॉमी के अंदर काउंट करेगी वो होगी इंजेक्शंस, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी भरेगी। रिमेम्बर, अभी मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, आपको लगेगा ये तो ऑपोजिट चल रहा है, यस दैट्स इंपॉर्टेंट, हमारी इकोनॉमी इन्हीं इंजेक्शंस के कारण बनेगी, बढ़ेगी। और अगर कोई लीकेज है तो वो उस लीकेज से खाली हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये लीकेज होनी नहीं चाहिए, बट आप एक चीज सोच के देखो, अगर कोई लीकेज नहीं हो सिर्फ इंजेक्शंस हो तो इंजेक्शंस के थ्रू पानी भर भर के बकेट में से गिरना शुरू हो जाएगा, दैट विल बी द वेस्टेज, ठीक ओके। अगर दूसरा एक केस लेते हैं,
पानी चलता जा रहा है चलता जा रहा है, चलते चलते ये बकेट भरी हमने ऊपर से उसको बंद कर दिया। अगर बंद कर दिया तो थोड़ी देर के बाद दैट विल स्टार्ट स्टिंकिंग, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तो स्मेल आने से पानी रुका हुआ कहीं पे भी रुक जाए, अगर नदी बहती है तो वो फ्रेश वाटर होता है, और अगर वो रुक जाती है तो वो नाला बन जाता है, मतलब उसमें मच्छर आने लग जाते हैं। एग्जैक्टली अगर इकोनॉमी रुक जाए तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमी विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, और इकोनॉमी कभी, कोई इकोनॉमी, डायनेमिक इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, चलती रहती है, ऊपर नीचे चलती रहती है, जिसे हम बिजनेस साइकिल्स भी कहते हैं, स्टेबल नहीं रहेगी वो। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इंजेक्शंस और लीकेजेस चलते रहने चाहिए। इंजेक्शंस के थ्रू फ्रेश वाटर आता जाएगा और लीकेज के थ्रू वो जो गंदा पानी था, जो मतलब पानी पुराना हो गया, निकल जाएगा और वही पुराना सर्कुलेशन में वापस नया बन के आ जाएगा। आएगा कहाँ से पानी? अब ये वाटर साइकिल आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वाटर साइकिल, एयर साइकिल, हर तरह का साइकिल जो है ना वो अपने आप को रिपीट करता है। दैट इज आल्सो द साइकिल विद द इकोनॉमी। यस, ये सेम है। तो यहाँ पे जब भी आप लोग खर्चा करते हो वो एक इंजेक्शन के थ्रू इकोनॉमी में चला जाता है। रिमेंबर दैट इज नॉट अ लीकेज। हमारा खर्चा हमारी इकोनॉमी को भरेगा, हमारा किया हुआ खर्चा, चाहे मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं चीजें बनाने में खर्चा करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि एज अ प्रोड्यूसर जो तुम खर्चा करोगे उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो मैं अगर प्रोड्यूसर हूं, मैं खर्चा करूंगा तो मैं चीजें बनाने पे खर्चा करूंगा, तो चीजें बनेंगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लॉकडाउन में चीजें रुकी हुई है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, हर कोई वरिड है क्या होगा, कैसे होगा, कि इकोनॉमी रुक गई है, हम लोग घरों में बैठे हैं, हेल्दी हैं, बट हमें लग रहा है कि इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। ऑपोजिशन वाले मेन जो पार्टी है, मतलब मोदी जी की पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, मोदी जी की पार्टी को टेंशन बनी हुई है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी। देर आर सो मैनी थिंग्स, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, इकोनॉमी खाली हो रही है। तो इकोनॉमी में अगर लीकेज रुक गई है तो ऑब्वियसली उसके अंदर इंजेक्शन भी रुक गई है। तो ये इंजेक्शन हमारा खर्चा है। अगर मैं हाउस होल्ड सेक्टर हूं तो मेरा खर्चा क्या है? मैं चीजों के ऊपर खर्च करती हूँ, मैं राशन के ऊपर खर्च करती हूँ, मैं फर्नीचर बनवाती हूँ, मैं अपने क्लोथ्स के ऊपर खर्च करती हूँ, मैं एसी लगवा लेती हूँ, कार ले लेती हूँ। तो उनके उनके पैसों के थ्रू इकोनॉमी में पैसा जाता है, वो पैसा बनी हुई चीजों पे खर्च होता है। जब वो चीजें खत्म हो जाती है मार्केट के अंदर, दोबारा इन्वेस्टमेंट करी जाती है। तो इस तरह से इकोनॉमी चलती रहती है। अब ये लीकेज क्या है? लीकेज है जो मेरी इनकम में आने से पहले मैंने खर्च नहीं किया, लाइक मैंने सेविंग्स कर ली, बैंक में पैसा पकड़ा दिया, सेविंग्स कर ली, अब वो मैंने खर्च नहीं किया। बैंक चाहे तो वो सर्कुलेशन के थ्रू उसको लोन बना के लोगों को बांटेगा तो बहुत बढ़िया चीज, अदरवाइज वो लीकेज बाहर निकल गई इकोनॉमी में से। हमने टैक्स दिया, टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया और वो कंपल्सरी पेमेंट है, चोरी नहीं करनी चाहिए, बट वो मेरे खर्च करने से पहले मेरी इनकम में से निकल गया, वो दैट इज अ काइंड ऑफ लीकेज। इम्पोर्ट्स किए, इसको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी, बट राइट नाउ यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन इकोनॉमी में जाना, दैट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी, एंड लीकेज दैट इज कमिंग आउट ऑफ द इकोनॉमी, बट बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, तो ये हुआ हमारा नेशनल इनकम का मेन डेफिनेशन, तीन तरह से, टीपी, TY एंड TE। इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी चीज कहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी वो पढ़ेंगे हम। अब अगले बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि ये तो बहुत इजी है यार, बट इसी के ऊपर आपको कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे उसी चीज को गलत करके बैठ जाते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ गुड्स। अब ये टाइप्स ऑफ गुड्स है क्या? मतलब तुम जो चीजें, इट इज अ काइंड ऑफ सर्विसेज एज वेल। टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या आता है? जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो कितने तरह की हो सकती है, मतलब पूरी इकोनॉमी को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, बाउंड नहीं कर रहे हैं हम उस इकोनॉमी को। तो गुड्स क्या है? गुड्स जिनको हम यूज करते हैं, मेरे हाथ में मार्कर है,
मेरे हाथ में ये चूड़ी है, मेरे हाथ में ये रिस्ट वॉच है, ये बोर्ड है, ये पीछे मैप लगा हुआ है. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स. लुक अराउंड यू, देर आर सो मेनी गुड्स. ओके, सो गुड्स हैं, बट ये गुड्स की टाइप्स क्या क्या हैं? सी, गुड्स दो तरह की, मतलब ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन, क्योंकि गुड्स की प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बेसिस पे गुड्स जो है वो दो चीजों में डिवाइड हो जाती है. एक होती है फाइनल गुड्स और एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स. मैं कहूंगी ये वाली एक प्रोडक्शन बाउंड्री है जिसके अंदर प्रोडक्शन चल रही है. जब तक वो चीजें इसी के अंदर रहती हैं, कोई भी चीज उस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं निकली है, तब तक वो इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट का मतलब अंदर, फाइनल का मतलब बाहर, आउट ऑफ द बाउंड्री. इसीलिए फाइनल गुड्स आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन मैंने खरीद लिया, ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड मैंने जिसको बेचा है वो अभी भी प्रोडक्शन कर रहा है उसके ऊपर, तो वो हुआ इंटरमीडिएट गुड. सिंपल करती हूँ इसको. फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? दो तरह के लोग हुए. दो तरह के लोग कौन से? एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, दोनों ही फाइनल गुड्स का यूज करेंगे. अब ये फाइनल गुड्स का मतलब जो फर्दर बिकेगी नहीं, एक बार खरीदी तो वो आगे रीसेल नहीं होगी. अब आप बोलेंगे कि ऐसे तो हमने जो घर पे कार खरीदी है उसको मैंने बेचा तो वो हुई सेकेंड हैंड गुड. फर्स्ट हैंड गुड नहीं, सेकेंड हैंड गुड एक बार बिक चुकी है, अब आप दूसरी बार बेचेंगे तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी. ये इसकी एक अजम्पशन है. एट द सेम टाइम, क्योंकि वो उस जिस साल में बनी थी, हमने क्या बोला यहाँ पे, एक चीज मैं बताना भूल गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो नेशनल इनकम है, पिछले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट चलता है. अब फ्लो के लिए एक टाइम बाउंड भी रखना पड़ता है, मतलब दो पीरियड ऑफ टाइम पे आप उसको कैलकुलेट करोगे. सो नेशनल इनकम बीइंग अ फ्लो कंसेप्ट, आपको उसे एक फिक्स टाइम पीरियड में मतलब पढ़ना पड़ता है कि आप उसे एक ईयर के अंदर काउंट करते हो. वन ईयर, हर साल की इनकम अलग निकलती है, तो एक साल के अंदर आपके कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई, कितनी इनकम जनरेट हुई और कितना एक्सपेंडिचर बना. सो नेशनल इनकम एक साल के अंदर कैलकुलेट करी जाएगी, ठीक है. तो अब वापस चलते हैं गुड्स के कंसेप्ट के ऊपर, कि एक साल के अंदर जितनी भी चीजें बनी, या तो वो किसी प्रोड्यूसर ने खरीद ली पर ड्यूरेबल यूज के लिए, या फिर एक कंज्यूमर ने खरीद ली, वो तो ऑब्वियसली हमने घर पे यूज करी. मैं ये मार्कर लेके आई, मैंने इसको यूज करना शुरू किया, अब मैं इसको फर्दर बेचूंगी नहीं, ठीक है जी. और ये चीज इसी साल के अंदर बनी है, तो इसी साल के अंदर इसके चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिली होगी, और उन लोगों ने इसी साल में खर्चा किया होगा. अगर इसकी इनकम मैंने नेक्स्ट ईयर में डाली तो वो एक मिसमैच क्रिएट कर दे. ऐसा हो सकता है कि ये चीजें इस साल के अंदर बनाई गई हो. नोटेड, नोटेड डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर प्रोडक्शन मेथड. जब हम करेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि मैम जरूरी थोड़ी है कि इस साल में 2020 में ये चीजें बनाई गई और 2020 में ही वो बिकेंगी. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. जो चीजें इस साल नहीं बिकी हैं वो मेरे स्टॉक में जमा हो जाएंगी, होंगी कि नहीं? क्योंकि जो इस साल में बिक गया, अगली बार मैं क्या करूंगी? नया साल शुरू हुआ, नया साल मैंने देखा कि अच्छा ठीक है जी, 1 जनवरी को मैंने अपना शटर ऊपर किया, ओके ये पुरानी चीजें पड़ी हुई है, तो वो मेरा स्टॉक है. जब मैं अपना स्टॉक देखूंगी, अगर स्टॉक में ज्यादा चीजें बनी पड़ी हुई हैं, तो मैं कम चीजें इस साल प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी चीजें बिकनी है, ठीक. तो जो चीजें पहले मैं क्या ट्राई करूंगी, पिछली वाली चीजें बेचू, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में टाइम भी तो लगेगा, तो पहले वो वाली चीजें बिकना शुरू होंगी. जो चीजें बिक रही हैं पिछले साल की, उनकी इनकम पिछले साल के अकाउंट में ही डाली जाएगी, इस साल के अकाउंट में नहीं डाली जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम पिछले साल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल चुकी है, उन्होंने खर्चा भी कर दिया है, तो मुझे लेट के अकॉर्डिंग उसी में उसकी इनकम डालनी है. ये चीजें याद रखना, हम प्रोडक्ट मेथड में इसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल गुड्स वो हुई जो कि एक एंड यूजर ने खरीद ली है.
अब उसके बाद वो बिक नहीं रही है, फर्दर वो बिकेंगी नहीं, ठीक है। और अगर उसकी रीसेल होती है तो वो पुरानी चीज मानी जाएगी, नई चीज नहीं मानी जाएगी। तो वो सिंपल जैसे जो तुम करते हो कंज्यूमर गुड्स हुई, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल। अब ये ड्यूरेबल में मैं काउंट करूंगी जैसे एसी हो गया, या कार हो गई, या मैंने कोई एक्टिवा लिया, व्हीकल लिया, तो वो सारी चीजें कौन सी आ गई मेरे पास, फर्नीचर बनवाया। तो ये चीजें एक साल से काफी ज्यादा चलती हैं और बार बार लाइफ में आप नहीं इनको बनाते हो, जल्दी नहीं बनाते हो। तो ये हुई ड्यूरेबल गुड। अगर मैं बात करूं सेमी ड्यूरेबल की, तो मेरे क्लोथ्स हैं, सिंगल टाइम नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है, तो ये सेमी ड्यूरेबल हो गए। और नॉन ड्यूरेबल में कौन से आ जाते हैं, या सिंगल यूज में आ गया, घर में मिल्क आता है, या आप कोई भी ऐसी चीज जो एक बार इस्तेमाल की और दोबारा नहीं कर सकते हो, दैट इज सिंगल यूज। वीट आ गया घर में, तो उसको आपने उसकी रोटी बनाई, अब वो वीट खत्म, ठीक है, एंड यू हैव यूज इट एज अ फाइनल कमोडिटी, उसके ऊपर आपने कोई वैल्यू एड नहीं करी है। अब प्रोड्यूसर कैसी चीजें यूज करेगा, प्रोड्यूसर भी खर्चा तो करते हैं, चीजें वो भी खरीदते हैं, बट उनकी खरीदी गई चीजें अलग होती हैं। वो मशीनों के ऊपर खर्च करते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर खर्च करते हैं, वो कोई हो सकता है कि टूल्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो वो उनकी बेसिक गुड्स है और वो उनकी फाइनल गुड है, वो कैपिटल गुड है। ये मैंने फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब एक्सप्लेन किया था, तब मैंने थर्ड फैक्टर बताया था कैपिटल, तो वो कैपिटल उनकी फाइनल गुड है। वो मशीनों को इसलिए नहीं खरीदते कि वो वापस बेच सके, अगर वो उस मशीन को भी वापस बेच रहे हैं तो वो मशीन भी एज एन इंटरमीडिएट गुड यूज होगी, इज दैट ओके, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अभी अंदर ही। किसी होलसेलर से अगर एक रिटेलर खरीदता है तो वो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही है, अब वो बिकेगी तो किसी और के पास जाएगी, ओके। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट गुड वो गुड होती है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान खत्म हो जाए। मैंने अगर जैसे वापस मैं उसी मैं ज्यादा एग्जांपल्स वही लेती हूँ जो आप लोग देख सकते हो, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी एग्जांपल बोल दूं, आपको वहां तक पहुंचने में टाइम लग जाए, ओके। तो मेरे पास एक ये नोटबुक पड़ी हुई है। अब ये जो नोटबुक है, यहाँ पे इतनी चीज मेरे को क्लियर है कि इसको बनाने के लिए ये हल्का कार्डबोर्ड सा लगा है, ये पेपर लगा है, अंदर स्टेपल पिंस है, और इनको जब वाइंड अप किया गया होगा तो किसी ना किसी मशीन के थ्रू वाइंड अप किया गया होगा। जो पेपर है, मेरे को जहां तक ध्यान है, पेपर तो हमें ट्री से मिलता है, तो कभी लिखने का दिल करे जाके ट्री पे तो नहीं लिख सकते। हमारे घरों पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं, फर्नीचर भी लकड़ी का बनता है, तो हमारा दिल करे तो हम जाके एक ट्री पे चढ़ जाएं। घर पे मेहमान आए, हमने उनको बोला कि ऐसा करो, आपने बैठना है, हमारे घर पे बहुत ट्रीज हैं, एक काम करिए अपने अपना कोना चुन लीजिए और वहां जाके बैठ जाए। नहीं, हम लोग उसकी फॉर्म चेंज करते हैं और जैसे हमें चाहिए हम उसको बनाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन प्रोसेस वो ट्री की आइडेंटिटी खत्म हो गई, ठीक है, वो ट्री की आइडेंटिटी खत्म हो गई, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट वॉज एन इंटरमीडिएट गुड, ओके। इस मार्कर के अंदर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक इटसेल्फ हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, तो उसमें क्या हो गया कि ये जो प्लास्टिक है दैट बिकेम एन इंटरमीडिएट गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस मार्कर। सो इंटरमीडिएट गुड जो कि इसी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान घूमते रहते हैं, यहाँ पे वो सारी चीजें आएंगी जो एक फर्म ने दूसरी फर्म को बेच दिया। यहाँ पे एक और चीज, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपको लगेगा कि वो तो फाइनल भी हो सकती है, वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है, तो आप एंड यूजर देखेंगे, हो सकती हैं, एग्जैक्टली हो सकती हैं। घर पे अगर हम शुगर यूज करते हैं तो वो एक फाइनल गुड हुई, क्योंकि मैं उससे कुछ बना के बेचने नहीं वाली, ठीक है, मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एंड यूजर हूँ, शुगर मैंने यूज करी तो वो फाइनल गुड हुई। बट अगर वही किसी ने बेकरी में यूज करी, अगर वो किसी बेकरी में यूज हो रही है, तो बेकरी में यूज होने के टाइम पे वो शुगर को एज एन इंटरमीडिएट गुड यूज करेगा, क्योंकि शुगर से वो चीजें बना के शुगर की आइडेंटिटी खत्म, अब वो केक की आइडेंटिटी रह गई या बिस्किट्स की आइडेंटिटी रह गई। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखें। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इन बेसिक कंसेप्ट को रोकते हैं और आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो होगा नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट टू, जिसके अंदर हम और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।
अगर आपको इन कंसेप्ट में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है या आपने पहले पढ़े हुए हैं और आपको नहीं समझ लग रहे, तो आप मुझे कमेंट्स में वही क्वेश्चंस पूछ सकते हो. थैंक यू. सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. थैंक यू सो मच. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और यू कैन ऑल्सो राइट अस एन ईमेल प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच.